हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट आपके इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग देंगे। तो आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता था कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है LOSE लॉस PATENCE पैसेंस लॉस पैसेंस लॉस पैसेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है हिम्मत हारना। लॉस पैसेंस मतलब हिम्मत हारना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है REACH रीच। रीच का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पहुंचना। रीच मतलब पहुंचना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RING रिंग। रिंग का क्या मतलब होता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है बजना। रिंग मतलब बजना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है GOVERN गवर्न। गवर्न मतलब क्या होता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है शासन करना। गवर्न मतलब शासन करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है STOP स्टॉप। स्टॉप का क्या मतलब होता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CLEAR क्लियर। क्लियर का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है साफ करना। क्लियर मतलब साफ करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RETIRE रिटायर। रिटायर का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है अवकाश पाना। रिटायर मतलब अवकाश पाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DECIDE डिसाइड। डिसाइड का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है निर्णय लेना। डिसाइड मतलब निर्णय लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DEMAND डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका मतलब है मांग करना। डिमांड मतलब मांग करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TEASE टीज। टीज का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है टीज मतलब चिढ़ाना। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड मीनिंग। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।